भाई मैं एक देहाती किसान हूँ। मैंने खेती का काम अपने हाथ से किया है। मैंने डंगर भी चलाए, मैंने लड़ाई भी की है। ज्वार और बरों की बरोटी सिर पर धर के लाके सानी काट के डांगर भी नहीं। किसान के खेत में सीरी रहता है उसकी तकलीफ भी मैं जानता हूँ। जो आदमी सुबह किसी के तेजे पर जाए, सड़क पर मजदूरी करने जाए, शाम को मजदूरी लेके आटा लेके आता है, मैं उसकी तकलीफ भी जानता। आज से 35 साल पहले मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना। मैंने दफ्तर में बैठते ही पहले दिन दो हुक्म किए। एक हुक्म किया हर गांव में बिजली लगा दो, दूसरा हुक्म किया हर गांव में पक्की सड़क बना दो। क्यों किया मैंने ऐसा? मैं देहात का रहने वाला, मेरे गांव में कोई सड़क नहीं थी। हम ऊंट पर चढ़ के जाया करते, 27 किलोमीटर भिवानी पैर का तड़का चला करते, पैर दिन से जाया करते भिवानी पहुंचा करते। भिवानी से बस में बैठो 1.5-2 घंटे में दिल्ली। तो मैं ये सोचता था क्या देहात का आदमी भी घंटों में मिनटों में एक गांव से दूसरे गांव में या गांव से शहर में नहीं पहुंच सकता। मुझे नहीं पता था भगवान ने ये काम मेरे जिम्मे लगा रखा, इसलिए मैंने कहा गांव में पक्की सड़क बना। भिवानी शहर में जाते देखते लाला जी की दुकान में पंखा चल रहा ऊपर। भाई मैं ठेठ बागड़ का आदमी, मेरे गांव में आज भी नहर नहीं है। मैं ठेठ बागड़ का आदमी, यूं नहीं पता यू पंखा क्या चल रहा है। जिस बिजली का नाम भी कौन सुन रखा था भाई? तो मैं कह दू नाम कौन सुन रखा था? लोग समझे झूठ बोले हैं। जो 70-75 साल वाले मेरी उम्र आए थे याद कर लो भाई, बिजली किसका याद थी? तो हिम्मत को नहीं बड़ा लाल ने पंखे को हलाओ को चल रहे क्या? थोड़ा बड़ा होया मैं लाला जी ने बोला, लाला जी पंखो क्या चल रहा है? बोले बिजली से। मैं बोला कैसे गावत है? बोला कारखाने से। तो मैंने बिजली का बेरा ने कारखाने का बेरा ने मैं बाड़ों साथ गया किस कर आवाज आऊ दिखे दिखे को ना। फिर मैंने उसे हत्या कर दिया। जो कहते हमारे खेत की छान में भी पंखा चल लेगा, मैंने नहीं पता था। भगवान ने ये ड्यूटी भी मेरी लगा रखी है कि छान में पंखा भी मैं चलाऊंगा, लट्टू भी मैं चलाऊंगा। जलाया कि नहीं जलाया? मेरे से किसी ने मांग नहीं की थी कि हमारे यहां नहर ले आओ। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहा हरिद्वार के लिए मैं ही ला, याद रखना लोगों। जवाहरलाल नेहरू कहना और कोई पानी नहीं लाएगा, लाएगा तो दिखाने के लिए लाएगा, खेती के लिए पानी जयलू मैं ही लाऊंगा। भाई जब मैं एमएलए बनता हूँ तो एमएलए मेरे हल्के का रहता हूँ, जब चीफ मिनिस्टर बन जाता हूँ तो संघ वाले कहा क्या इतना है मेरे ऊपर नारनूल वाले कर लिया। फिर मैं बेईमानी नहीं कर सकता, फिर मैं डांडी नहीं मार सकता। मेरे लिए नारनूल भी ऐसा ही है, भिवानी तोसाम भी ऐसा ही है, कालका भी ऐसा ही। मेरे लिए फिरोजपुर देता और कलवल भी ऐसे ही है, मेरे लिए सरसा भी ऐसा ही है। मैं किसी के साथ